को पता है कि सेम आउटपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं तो सेम एड्रेस आप नहीं ले सकते, इसलिए मुझे ये एड्रेस चेंज करना होगा। तो इस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है। तो कैसे करते हैं, आप 3 नंबर की रंग में चेंजेस करना है तो डबल क्लिक कर लीजिए, देन यहाँ पर आप देखेंगे आर आ रहा है, यानी रनिंग रंग एंड इंसर्ट रंग। तो इंसर्ट रंग में जाएंगे, यहाँ पर ब्राउज कर लीजिए आप 1 नंबर एड्रेस जो आपको लेना है। तो यहाँ पर 1 नंबर हमारा ये मोटर हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होता है फाइनलाइज ऑल एडिट्स इन प्रोग्राम, तो सारे जो एडिट्स हैं वो यहाँ से फाइनलाइज हो गए। अब देखेंगे तो जो 1 नंबर आउटपुट है यहाँ पे हो गया, बिल्कुल एकदम सही है। तो डन बिट ऑन हो गई क्योंकि टाइमिंग कंप्लीट हो गई। अब देखिए, आपको देखो एक डिफरेंस नजर आएगा। अब जैसे ही मैं सप्लाई ऑफ करूंगा तो आरटीओ टाइमर में क्या होता था, ये आपको अच्छे से पता है कि आरटीओ टाइमर में जब टीओ टाइमर में क्या होता था कि जैसे ही आपने सप्लाई ऑफ कर दी उसके बाद क्या होता था, सारा का सारा ये बंद हो जाता था। तो अब देखिए यहाँ पर भी मैंने सप्लाई ऑफ कर दी तो यहाँ पर देखिए सारी बिट ऑफ हो गई, लेकिन डीएन बिट अभी भी ऑन है। क्यों ऑन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो टाइमिंग है ना वो पॉज हो चुकी है, टाइमिंग 0 नहीं होती रिटर्न टाइप की, जो टाइमिंग है वही रहेगा। तो क्योंकि एक्यूमुलेटर प्रीसेट दोनों इक्वल है इसलिए डन बिट हाई है, इसी वजह से मोटर नंबर 2 ऑन है। आप चाहे तो इसके इम्युलेटर में इम्युलेटर पर जाके आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं, आईओ डेटा में जाके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए 2 नंबर आउटपुट येलो दिखा रहा है, यानी 2 नंबर आउटपुट आपका ऑन है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको रिसेट करना है टाइमर, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने रिसेट ले लिया और इसके लिए एक इनपुट लिया है। जैसे ही आप रिसेट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इनेबल कर दीजिए फोर्स, तो तुरंत क्या होगा, रिसेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक्यूमुलेटर इमिडिएटली 0 पे चला गया। तो 0 पे जाने का मतलब क्या है कि टाइमर रिसेट हो गया। जैसे ही टाइमर रिसेट हुआ डन बिट भी लो हो गया, जिससे जो आउटपुट था मोटर नंबर 2 वो भी ऑफ हो गई। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फोर्सेस को रिमूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए सारा खत्म हो गया। इसका मतलब देखिए, एक बार यहाँ से मैंने फोर्स ऑन किया, यहाँ से आप राइट क्लिक करके फोर्स ऑफ कर दीजिए, यानी फिर उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे फोर्स को आप रिमूव कर दीजिए। अब मैं यहाँ से सप्लाई ऑफ करूंगा तो फिर देखेंगे आप यहाँ पर भी बेसिकली देखिए फोर्स ऑन करके मैंने यहाँ से इनेबल कर दीजिए, जिससे कि सप्लाई ऑफ हो जाए। तो जैसे ही सप्लाई ऑफ हुई तो आपने देखा यहाँ से अभी कि टाइमर फिर से रिटेन कर गया, यानी आपको फिर से अभी इसको क्या करना पड़ेगा, रिसेट करना पड़ेगा। तो रिसेट देखिए अभी हुआ नहीं है। यहाँ से आपको क्या करना है, फोर्स ऑन करना है, देन इनेबल करना पड़ेगा फोर्स, तभी यहाँ पे फोर्स लगेगा। जैसे ही ऑन किया तो तुरंत ही रिसेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, एक्यूमुलेटर 0 पे चला गया। अब यहाँ से फोर्सेस को आप क्या करो, रिमूव कर सकते हो, एंड जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं सारे डिसेबल कर दीजिए। तो इस तरीके से हम आरटीओ टाइमर यूज करते हैं। आरटीओ टाइमर काफी ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, बट याद रखना जब भी आरटीओ टाइमर आप लेंगे उसके लिए आपको रिसेट इंस्ट्रक्शन लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आरटीओ टाइमर्स यूज करते हैं। होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही होंगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से और भी वीडियोज मैं बना के अपलोड करता रहूंगा, और लगातार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करते रहें, लाइक करें वीडियोज को, शेयर भी करें। सो होप आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूंगा। तो थैंक